सिर्फ डिस्प्ले में चेंजेस करके ओप्पो A78 को A79 के नाम से रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ओप्पो A79 5G स्मार्टफोन को ओप्पो A78 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले ही। तो आपको बता दूं कि ओप्पो A79 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ ओप्पो A78 के अंदर हमें 6.56 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना सिर्फ और सिर्फ ओप्पो A79 की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फुल HD प्लस पैनल मिल रहा है। भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार जरा ओप्पो A78 को देखना भाई, सिर्फ HD प्लस पैनल मिल रहा है हमें इस फोन के अंदर, जमा एवरेज डिस्प्ले देख के इन्होंने काम मुका दिया। इसलिए इस फोन को डिस्प्ले के हिसाब से बाय मत करना भाई। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं जो कि कलरओएस 13.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार जो दोनों फोन्स की UI है ना भाई, दुनिया जहान की आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो ओप्पो A79 के अंदर हमें Dimensity 6020 5G चिपसेट दिया गया जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो A78 के अंदर हमें Dimensity 7500 5G चिपसेट दिया गया जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दो दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और डिसेंट गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज वहां से जाकर आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना यार, बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50MP का, डेप्थ कैमरा है 2MP का। और आपको बता दूं दोस्तों, दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, डिसेंट लेवल की फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार ये जो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2MP का डेप्थ कैमरा मिल रहा है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है भाई। ओप्पो वाले अगर इन दोनों फोन्स की जगह पर अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते ना यार, तो ज्यादा बढ़िया रहता। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें डिसेंट ही सेल्फी कैमरा दिया गया। ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से मत करना यार। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स 33W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि ओप्पो A79 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो A78 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों गलती से भी आप ओप्पो A78 को बाय मत करना यार। जमा एवरेज वाली डिस्प्ले हमें इस फोन के अंदर मिल रही है जो कि 10,000 वाले फोन में मिलती है। ये हाल है ओप्पो वालों के। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ओप्पो A79 लेना है तब आप ले सकते हो, वरना मेरे अकॉर्डिंग आपको ना इन दोनों फोन की बजाय OnePlus Nord CE 3 Lite स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो बस दोस्तों यही तो मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए।